नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आप सभी द्वारा प्रायः यह पूछा जा रहा है कि पर्यावरण से संबंधित टॉपिक कैसे तैयार किया जाए और किस पुस्तक से तैयार किया जाए। उसके संबंध में इस वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा बताया जाना है कि किस पुस्तक की मदद से आप इस टॉपिक पर अपनी मजबूती तैयारी कर सकते। तो सबसे पहले बताओ, यदि आप UPPCS समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, UPPCS लोअर या कोई भी ऐसा वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है एवं वो टॉपिक आपके परीक्षा से संबंधित है, तो आप अवश्य ही इस एग्ज़ाम के लिए आप अवश्य ही परीक्षा वाणी की पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पुस्तक को जरूर लें, ठीक है। और यह पुस्तक एक तरह से आप सभी के जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन परीक्षा में आए जाने हैं वे टोटल मार्गदर्शन इस पुस्तक के माध्यम से आपको मिलेगा। साथ में इस पुस्तक की एक खासियत ये है कि बॉक्स के माध्यम से इस पुस्तक के में बीच बीच में बॉक्स बनाए गए हैं, उस बॉक्स में भी तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट को शामिल किया गया है जो कि परीक्षा में आने की संभावना है। प्लस पिछले जितने भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर एकत्रित रूप से वो स्टार करके उसको रूपांकित किया है, जिससे आप जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप कम समय में बेहतर से आप कवर कर लेंगे। तो साथियों, यदि आप UPPCS समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, UPPCS लोअर, PCSJ या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आना है, तो आप अवश्य ही राज्य स्तर के सिविल सेवा के लिए ये किताब सफिशियंट है। इसमें वे तमाम प्रकार की सूचनाएं दी गई हैं, चाहे वो ओजोन परत के संबंध में हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, या कौन कौन से ऐसे कारक हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्लस जो भी सम्मेलन वगैरह हुए हैं, विश्व के परिदृश्य हुए, भारत के परिदृश्य हुए, तमाम वे चीज़ें दी गई हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। एक तरह से कहा जाए कि यह एक गागर में सागर को समेटने का काम यह पुस्तक किया है। तो आप अवश्य इस पुस्तक के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि इसके जो आंसर दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, उसको जरूर ही आप सॉल्व कर लीजिएगा। और यदि आप राज्य स्तर का परीक्षा दे रहे हैं तो पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं उनको भी आप अवश्य ही हल करिएगा। अब मैं बताती हूँ, वे सभी पुस्तक यदि आप IAS की तैयारी करते हैं तो वे पुस्तक भी आपको पढ़ना ज़रूरी होगा। सबसे पहले यदि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, परीक्षा वाणी। इससे क्या होगा कि आपको जो तमाम प्रकार के फैक्ट हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं उनकी समझ आपका विकसित हो जाएगा, क्योंकि UPSC द्वारा भी IAS का जब क्वेश्चन लिया, सिविल सर्विस का प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है, तो उसमें 30% लगभग फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रारंभिक परीक्षा की ये मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप अवश्य इस किताब को पढ़ेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है ये पुस्तक। वो पुस्तक है इंदिरा, आप यहाँ देख रहे हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू के दो पुस्तक है, पर्यावरण का परिचायक, ये देखिए खंड एक, ठीक है, और खंड दो। दो किताब आपको ये पढ़ना है और एक किताब आपको NCERT का पढ़ना है, ठीक है। तो पहले मैं इस किताब के बारे में बताती हूँ। ये किताब अल्टीमेट है, यदि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अनिवार्य रूप से इग्नू के प्रथम वैल्यूम और सेकेंड वैल्यूम का ये किताब ज़रूर आपको पढ़ना होगा। इस किताब में कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर किया गया है, न सिर्फ इसमें फैक्ट बताए गए हैं बल्कि कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। आपको मैं दिखाऊं कि इस पुस्तक में देखिए क्या क्या दिया गया है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं, ठीक, पर्यावरण क्यों आवश्यक है, प्राकृतिक संसाधन, विकास और पर्यावरण, विकास तथा पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य, ये जो है टॉपिक, इसके जो सब टॉपिक हैं इतने ज़्यादा हैं, ऐसे लगेगा कि आप, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो आप पर्यावरण से विज्ञ नहीं होंगे। चूँकि IAS में 60% क्वेश्चन
आपके इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वो सही नहीं होगा। कथन कारण पे पूछ देगा, चार विकल्प आपको दे देंगे, ठीक है, कि कौन से विकल्प सही हैं, ठीक है, जिसमें से आपको चार चयन करना होगा, चूँकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा होता है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर जब तक आपका रहेगा नहीं तब तक वो क्वेश्चन सही नहीं होगा। इस वजह से आपको यह किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको मैं ये दिखाती हूँ कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, पर्यावरण संबंधी चिंताएं, पर्यावरण क्यों आवश्यक, इसके सब टॉपिक देखिए आप, पर्यावरण क्यों आवश्यक। इसमें देखिए पहले प्रस्तावना दिया है, प्रस्तावना में टोटल पर्यावरण के बारे में बताया गया, उद्देश्य क्या है, ठीक है, पर्यावरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन कई बार आता है पर्यावरण किसे कहते हैं, ये एकदम इजी लैंग्वेज में इस किताब में बताया गया। पर्यावरण की जितनी भी संकल्पनाएं हैं, ठीक है, वो टोटल इस पुस्तक में समायोजित किया गया है। जीव मंडल क्या है, जीव मंडल के विभाजन क्या है, जीव मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, तीनों के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया है। ऐसे ही इस चैप्टर में आपको बायोम तथा जलीय जीवन क्षेत्र बताए गए हैं, बायोम के विभिन्न प्ररूप बताए गए हैं, थल बायोम बताए गए हैं, जलीय क्षेत्र बताए गए हैं, परितंत्र बताए गए हैं, परितंत्र के घटक हैं, अजैविक घटक है, जैविक घटक है, ठीक है। अगर ये किताब पढ़ते हैं तो आपकी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक पे प्रकाश डालिए। तो यदि आप इस पुस्तक को पढ़े रहते हैं तो निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो आप ज़रूर ही इस पुस्तक को पढ़िएगा। इसके साथ मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें आप देख रहे हैं पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जैव संचयन, जैव आवर्धन वगैरह। आप खुद जब प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखते होंगे कि पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और खाद जाल क्या होता है इसकी साफ साफ परिभाषा भी पूछी गई है, ठीक है। इसी प्रकार पिरामिड क्या है, पिरामिड सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, ये टोटल ये ग्राफ के माध्यम से इस पुस्तक में बताया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से परितंत्र में द्रव्य तथा भू रासायनिक चक्र क्या अल्टीमेट बताया गया है, गैसीय चक्र, अवसादी चक्र, पोषक के प्रारूप, फिर जाके जैविकीय संबंध में आपका अंतर जातीय संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, प्लस समस्थान क्या है, पुनर्भरण प्रक्रिया क्या है, पारितंत्र समागम क्या है, ये टोटल चीज़ इसमें बताया गया। इसी प्रकार उसके दूसरे भाग में आप देख रहे हैं प्राकृतिक संसाधन में, आप ये सोच रहे होंगे कि इतना कैसे संभव है, लेकिन आप समझ नहीं सकते हैं कम पेज में, ये दिखने में आपको दो किताब लग रहा है लेकिन इसके जो फॉन्ट है काफ़ी बड़े बड़े हैं, आराम से आप बहुत ही इजी तरीके से 2 से 3 दिन में इन दोनों पुस्तकों को आप कवर कर लेंगे। और जब एक बार आप पढ़ लेंगे और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उनमें ज़रूर आप लाइन लगा दीजिएगा। लाइन लगाने से ये होगा कि जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो आप उस चीज़ को फोकस ज़्यादा करेंगे, और तीसरी चीज़ जब परीक्षा आपका होना रहेगा तो जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको रिवीजन करने में आप सभी को ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं इसमें वायु, जल, वन संसाधन, जैव संसाधन, ये जैविकीय संसाधन, खाद संसाधन, खनिज ऊर्जा संसाधन, न्यूनतम अनुकूलतम संसाधन, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, भूमि उपयोग, वन संसाधन का उपयोग, सारे कुछ इसमें दिए गए। आप खुद देखिए एग्जांपल कितना इजी है, इसमें कहीं आपको कोई टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए कितना ईजी लैंग्वेज में ये समझाया है। ये आप देखिए यहाँ पे इस इकाई में हमें विविध संसाधनों अर्थात उस सब संपत्ति का विवेचन करेंगे, मतलब टोटल इतना इजी जैसे लगता है कि कोई टीचर आपको सामने पढ़ा रहा है, मतलब सारा कुछ बताएगा कि इस किताब में मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, ये कराऊँगा, ऐसे कराऊँगा, फिर बच्चों की तरह इस किताब में समझाया गया है, मतलब कहा जाता है ना माइंड ब्लोइंग, अल्टीमेट किताब है। तो इसको ज़रूर आप यदि IAS की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। साथियों देखिए IAS की तैयारी के लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट हर टॉपिक पे क्लियर करना ही होगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लगभग 60% 40% फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वही मुख्य परीक्षा में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन जब तक आप फैक्ट नहीं जानेंगे तब तक वो आपका क्वेश्चन कम्प्लीट नहीं होगा। इसलिए आपको बेहतर अंक पाने के लिए मूलभूत जो किताबें होती हैं उन्हें ज़रूर पढ़ना होगा ही होगा। अब आपको ये बता रही हूँ इसी इग्नू के प्रथम भाग में विकास और पर्यावरण में देखिए क्या लिखा है, कृषि प्रथाओं का, इससे क्या होगा कि जो आपका कृषि से संबंधित जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें, माइनर माइनर चीज़ें बताई गई हैं जो आप किसी अन्य पुस्तक में नहीं प्राप्त कर सकते। आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, लेकिन विश्वास करेंगे
सेम टू सेम, लाइन टू लाइन इस किताब से क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। जब आप पढ़े रहेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा इस पेज से, इस पैराग्राफ से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक, बशर्ते आप इस किताब को अच्छे से पढ़ें। तो आप ये देख रहे हैं ऊर्जा का टोटल दिया गया है, सतत विकास क्या है टोटल, इसमें सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में टोटल दे दिया है क्या है। मतलब एक तरह से कहा जाए, मैं आपको बस इतना ही कह सकती हूँ कि एक बार ज़रूर पढ़िएगा, और इसकी फ़ोटोकॉपी हर जगह मिल रही है। यदि आपको मूल पुस्तक नहीं मिल पा रही है तो फ़ोटोकॉपी आप हर जगह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हैं इस किताब को। आप इसी किताब का ये भी देख लीजिए, प्रस्थान प्रदूषण किसे कहते हैं, पर्यावरण में प्रदूषण का वर्धन, वायु प्रदूषण, मतलब टोटल एक एक चीज़। आप ये मत सोचिए बार बार एक ही चीज़ को बताया, एक ही चीज़ को नहीं बताया है, ठीक है, हर चीज़ का एक अलग अलग मायने होता है, ठीक है। जैसे ओजोन परत के क्षरण के लिए अलग गैस की जिम्मेदार होते हैं, वैसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन से गैसें होती हैं जो मुख्य योगदान देती हैं, सब विविध विविध है, ठीक है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फैक्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी प्रश्न को बेहतर तरीके से लिख नहीं पाएंगे। और चूँकि इस समय प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न है वो टोटल चेंज हो गया है, अर्थात विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर आप क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आप अवश्य ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। और साथियों आपको बताओ, जो भी करेंट में क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित रहे उसको आप तत्काल वहीं पे सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट के साथ उसके जितने भी आधारभूत सिद्धांत हैं उसको ज़रूर जानिए। देखिए प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा को ले जाने के लिए एक मार्ग होता है, मुख्य परीक्षा इंटरव्यू तक ले जाने का मार्ग होता है, और इंटरव्यू आपके सफलता का मार्ग होता है। हर एक चरण महत्वपूर्ण होता है। आप देखते हैं कि भारत में लाखों बच्चे आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन कुछ ही हज़ार बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। तो आप यदि मूलभूत किताबों को जानेंगे, यदि आप घर पर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इन सभी मार्गदर्शन को अपनाइए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अब आप देखिए इसी किताब का ये सारे कुछ एक एक चीज़ आप फिर देखेंगे, जल मतलब किस प्रकार हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रहा है, ये टोटल चीज़ इसमें बताया गया है। तनाव क्या होता है, तनाव का स्वास्थ्य, फिर आपका व्यवसाय तथा स्वास्थ्य क्या, रेडियो एक्टिव सक्रियता क्या होती है, सब कुछ इसमें बताया गया है, आप पढ़िएगा ज़रूर। अब मैं आप आती हूँ इग्नू के पार्ट टू पे। पार्ट टू में देखिए पर्यावरण संबंधी प्रबंधन पार्ट टू, ठीक है, पार्ट टू में आपका दिया है पर्यावरण संबंधी प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण गुणवत्ता प्रबंधन, और पर्यानुकूली प्रौद्योगिकियां और विश्व स्तरीय समस्याएं तथा चिंताएं। इसमें भी कई उप पैराग्राफ के माध्यम से हर एक चैप्टर को क्लियर किया गया है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा नहीं, आप खुद देख रहे हैं 164 पेज, ठीक है, इसमें 164 पेज है लगभग, उसमें भी इसी टाइप के हैं। आप आराम, चूँकि इसके फॉन्ट काफ़ी बड़े हैं, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। और जब तक साथियों एकाग्रता आपके बीच नहीं होगी, सत्ता नहीं होगा, परिश्रम नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं लक्ष्य प्राप्ति में कुछ ना कुछ बाधा जरूर आएगी। तो आप सभी से यही कहना है कि यदि आप अपने परीक्षा के प्रति गंभीर हैं, यदि आप अपना लक्ष्य निश्चित रूप से पाना चाहते हैं, तो अवश्य ही आप एकाग्रचित होकर सतत अभ्यास करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कहा जाता है कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। देखिए दो में ही दूसरा छठवां इकाई आपका पर्यावरण संरक्षण प्रबंधन है, संसाधन प्रबंधन है, पर्यावरण गुणवत्ता प्रबंधन है, पर्यानुकूली प्रौद्योगिकियां और विश्व स्तरीय समस्या चिंता है। अच्छा वही चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, यानी कि आपकी इकाई एक से लेके पाँच तक भाग एक में है, छः से लेके दस तक भाग दो में है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अंदर के एक पुस्तक के एक पेज में आपको बताती हूँ, और देखिए कैसे सब कुछ इसमें समाया गया है फैक्ट के साथ। पहला देखिए, ओजोन की सांद्रता डाप्सन इकाई में मापी जाती है, ठीक, एक डाप्सन इकाई एक PPBB ओजोन के तुल्य होती है, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन की माप 1957 में ब्रिटिश दक्षिण ध्रुव सर्वेक्षण दल ने आरंभ की थी, जिससे सन 1985 में पता चला कि दक्षिण ध्रुव प्रदेश के ऊपर बसंत ऋतु में ओजोन
का पर्याप्त ह्रास होता है। ठीक है, आंकड़ों से पता चला कि ओजोन की सांद्रता सन 1970 से 300 DU से घटकर 1984 में 200 DU पहुंच गई। ठीक है, तो इसमें आप क्या जाने, ओजोन के बारे में जाने प्लस फैक्ट जाने। क्वेश्चन जैसे यदि आप स्टेट लेवल का क्वेश्चन स्टेट सिविल सर्विस की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिया जाएगा कि ओजोन की सांद्रता किससे नापी जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन इकाई के द्वारा नापी जाती है। और IAS में इस क्वेश्चन की मान लीजिए इसी पैराग्राफ से मैं बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। IAS की हम बात बोल रहे हैं, IAS में क्वेश्चन बोलेगा निम्नलिखित कथन में सही कथन का चयन करें। ठीक है, चार आपको कथन दे देगा, फिर विकल्प ABCD कर देगा, लिखेगा 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1 सही है, 3 सही है। क्वेश्चन अब पहला कथन दे देगा ओजोन की सांद्रता ओम डॉप्सन से, ओजोन की सांद्रता ओम इकाई से नापी जाती है। तो ये क्या हो गया आपका, ओम इकाई से नापी नहीं जाती, यानी कि गलत हो गया। किससे नापी जाती है, ओजोन की डॉप्सन, तो यानी कथन एक गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ देगा कि वायुमंडल में ओजोन की माप 1957 में ब्रिटिश दक्षिण ध्रुव सर्वेक्षण दल ने आरंभ की थी। ठीक, तो ये तो आपका सही हो गया, तो यानी कि ये आपका लाइन सही होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि ओजोन की सांद्रता सन 1970 में 300 DU से घटकर 1984 में 200 DU पहुंच गई थी। ठीक है, यानी कि ये भी आपका सही हो गया। चौथा बोल देगा कि दक्षिण ध्रुव प्रदेश के ऊपर बसंत ऋतु में ओजोन का पर्याप्त ह्रास होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और यदि ये बोल देता है कि दक्षिण ध्रुव प्रदेश के ऊपर बसंत ऋतु में ओजोन का पर्याप्त बढ़ोतरी होती है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके IAS में पूछे जाएंगे, जबकि PCS में, समीक्षा अधिकारी में, खंड शिक्षा अधिकारी में, PCS आदि जो सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं उसमें सीधी सीधे पूछ देगा कि किस ऋतु में दक्षिण ध्रुव प्रदेश के ऊपर बसंत ऋतु में, मतलब यहाँ पे तो हम बोल दिए हैं, तो वो बसंत ऋतु एक ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ऋतुओं के ऑप्शन दे देंगे और जब यहाँ आप पढ़े रहेंगे तो आप सही कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेमिंग किए जाते हैं। डायरेक्ट ओजोन की सांद्रता नापी जाती है तो डॉप्सन इकाई से नापी जाती है। ये सब है राज्य सिविल सर्विस के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब खैर पैटर्न चेंज हो रहा है, उसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस वजह से हर चीज़ अब महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन IAS के दृष्टिकोण से भी ये मैं बता रही हूँ, तो आप ये समझिए कि यदि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये अनिवार्य रूप से पढ़ना ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल एक एक गैस वगैरह सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ यदि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो पर्यावरण के लिए आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, NCERT का ये जो पुस्तक है 1-1-9 पारिस्थितिकी और पर्यावरण, ये भी आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना ही होगा, जिसमें जीव और पर्यावरण संगठन के स्तर, पर्यावरण तथा आवास निवेश आदि ये सारे कुछ दिए गए हैं। तो साथियों, आप यदि IAS की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीन पुस्तक ज़रूर पढ़ेंगे, इग्नू का Part 1, Part 2 और प्लस ये NCERT का 1-1-9 पारिस्थितिकी और पर्यावरण, और साथ में आप ये ज़रूर पढ़ेंगे पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ताकि जितने भी फैक्ट हो, फैक्चुअल पॉइंट आपका क्लियर हो, साथ ही आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। और यदि आप UPPCS समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, APS, PCSJ, वन डे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये किताब आप लोग के लिए पर्याप्त है। तो आप ज़रूर ही इस किताब को पढ़ें, और ख़ास तौर पे इसके जितने बॉक्स हैं उनको आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे, जितने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे, और आपको ये भी बताओ पूर्व के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच एक पर्यावरण का टेस्ट सीरीज कार्यक्रम लाया जा रहा है, जिसमें हर वे कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य सिविल सेवा परीक्षा हो या IAS की हो। ठीक है, और आप उसको ज़रूर हल करिएगा, जो भी क्वेश्चन आप सभी के आने हैं उस दृष्टिकोण से मैं ला रही हूँ, आप अवश्य ही उसकी जो टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है उसको पढ़िएगा। उसमें मेरे द्वारा एक एक चीज़ को कंप्लीट किया जा रहा है, जैसे हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट कंप्लीट कराया जा रहा है, फिर आपका ओजोन परत में क्या क्या है, वो टोटल एक एक चैप्टर को मैं आप सभी के बीच ला रही हूँ कई छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, ताकि आप 10-10 क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और साथियों, जैसे ही मुझे समय मिलेगा
मैं आप सभी के लिए मल्टी विटामिन कैप्सूल क्लासेस में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए क्लासेस लाऊंगी। यदि आप PCS समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, PCS IAS आदि किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप उसको अनिवार्य रूप से उस क्लास को करिएगा। यदि आप उस क्लास को करेंगे तो आप स्वयं में समझेंगे कि 100 किताबों का एक वो क्लास आपको महत्वपूर्ण आपको लगेगा, क्योंकि मेरे द्वारा उस क्लास में आपको वे तमाम प्रकार की जानकारियां दी जाएंगी कि पूर्व में कैसे क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, कैसे किस भाग से क्वेश्चन आएंगे, और प्लस हर प्रकार के कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कराया जाएगा। क्योंकि इस समय UPPCS या अन्य राज्य सिविल सेवा, जैसे हुआ राजस्थान सिविल सेवा का हुआ, मध्य प्रदेश का हुआ, झारखंड का हुआ, उत्तराखंड का हुआ, बिहार का हुआ, हिमाचल प्रदेश का हुआ, कोई भी प्रांतीय सिविल सेवा की परीक्षा हुई, समीक्षा अधिकारी जो भी है, अब उनके पैटर्न में परिवर्तन आने लगा है, उसमें भी अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। उसी के कारण मैं आप सभी के बीच एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ वो तमाम फैक्ट आपको मल्टी विटामिन कैप्सूल क्लासेस में उपलब्ध कराऊंगी कि आप 100% सफल हो। और यदि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही आप भी मल्टी विटामिन कैप्सूल क्लासेस का जरूर अध्ययन करिएगा। साथियों 100% आप सभी को लाभ होना है तो होना है, आप जरूर ही इस मार्गदर्शन को गौर करिएगा और आशा है कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।